तो इसलिए ना मुझे 2024 में उतना खास कुछ उम्मीद नहीं है भाई, जो होगा देखा जाएगा। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो नदियाँ भी बह रहा है तो इस बहाव में अपना हाथ थोड़ा सा धो लेते हैं। दी तो हवे बचपन का प्यार है मेरा। चलो भाई लोग, हम तो पहुंच गए हैं अभी लेक के एरिया में जहाँ से बोट चलता है। अरे ऐसा मत करो, मेरे को ग्रीन कलर पसंद है तो मैं ये वाला पहन लेता हूँ। तो भाई लोग और भाई लोग बहन लोग, तो कैसे हो सब आप लोग। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, और दिल से ये दुआ करता हूँ कि 2024 जो है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहे, आपके दिल का हर ख्वाहिश जो है वो पूरा कर पाए आप। बस मेरा ही पता नहीं क्या होगा भाई, 2024 आ गया है मेरे को तो डर लग रहा है, क्योंकि 2023 ने जो खेल मेरे को दिखाया, तो इसलिए ना मुझे 2024 में उतना खास कुछ उम्मीद नहीं है भाई, जो होगा देखा जाएगा। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि हम जा रहे हैं अभी अपने फैमिली को लेके घूमने, वो भी इको पार्क पे। तो सिर्फ हम नहीं जा रहे हैं, मेरा बीबी का एक फ्रेंड है तो उसका फैमिली जा रहा है, और उस फ्रेंड के दीदी का फैमिली जा रहा है। और 2023 के एंड तक मैं इस चैनल पे खास कुछ वीडियो मैंने नहीं डाला, क्योंकि मैं अपने दूसरा चैनल जो है DS मोटो एडवेंचर बांग्ला, तो उसमें मैंने ढेर सारे वीडियो बनाया है। तो अभी दिक्कत यह है कि एक चैनल के लिए अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो दूसरा चैनल के लिए वीडियो बना नहीं पाता हूँ, एक ही टाइम दो चैनल के लिए वीडियो कैसे बनाऊँ भाई। तो जो भी हो, अभी हुआ कि ये था कि अपना DS मोटो एडवेंचर बांग्ला जो है उसमें एक रील्स जो है वो हो गया था वायरल। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो नदियाँ भी बह रहा है तो इस बहाव में अपना हाथ थोड़ा सा धो लेते हैं। तो इसलिए उस चैनल पे मैंने थोड़ा सा एफर्ट दिया, और भाई एफर्ट रंग लाया मेरा। तो भाई एक हफ्ते के अंदर मेरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया उस चैनल पे, और वॉच टाइम हो गया है करीबन 4600 के आसपास, आज सुबह ही देखा। तो टोटल उस चैनल पे अभी 1600 या फिर 1700 सब्सक्राइबर गेन हो गया है, और 4600 वॉच टाइम भी आ गया है। तो भाई लोग ये कभी भी मत सोचना कि उस चैनल पे ज़्यादा एक्टिव हूँ और इस चैनल पे जो अपना फैमिली मेम्बर है उसको मैं भूल गया हूँ, नहीं भाई ऐसा कभी भी हो नहीं सकता है। तो दूसरा देखो, मैं जितना भी चैनल बनाऊँ पर ये वाला चैनल जो है ये मेरे दिल के बहुत खास है, और आप लोग जो हो वो मेरे दिल के बहुत पास हो। और भाई लोग, आप लोगों ने न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट किया तो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो अभी हम जा रहे हैं मोदमग्राम, तो वहाँ से अपना बाकी सारा लोग जो है तो वहाँ से जाएगा। अरे पड़े थको ओटा ওই দেখো প্লেন যাচ্ছে। নেবে দিতে হবে এই আবার তোর আবার তোকেও দিতে হবে বড়দের 10 টাকা ছোটদের 5 টাকা জামাল আবার কর জামাল গরম মানে খুব ভালোভাবে বাচ্চাগুলো তো भाई लोग और भाई लोग के बहन लोग, क्या आप लोग भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो? तो थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि इसमें होने वाला है आप लोगों का
बहुत फायदा। हम लोगों को शॉपिंग करने में सबसे बड़ी दिक्कत होता है कि कौन सा ब्रांड में कितना डिस्काउंट है, ये हम लोगों को पता नहीं होता है। तो इसीलिए ना हम लोग अच्छा खासा डिस्काउंट मिस कर देते हैं। मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक ऐसा तरकीब, हर शॉपिंग में आप लोगों को मिल जाएगा डिस्काउंट ऑफर। तो इसके लिए आप लोगों को बस डिस्क्रिप्शन पे दिया गया लिंक पे क्लिक करना है और आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा 40 से भी ऊपर टॉप ब्रांड। जिसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट आप लोगों को खरीदना है बस वहाँ पे क्लिक कीजिए और आप लोगों को ऑफर मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहे तो यही से रिडीम ऑफर कर सकते हो। तो बस ऐसे ही आप लोग ढेर सारा शॉपिंग करो और ढेर सारा बचत करो। तो भाई लोग और बहनों को बहन लोग, तो अभी तो हम लोग एंटर कर चुके हैं इको पार्क में। लंच वगैरह हो गया है, थोड़ा सा वीडियो क्लिप तो आप लोगों ने देखा ही होगा। और ये है हमारा एक छोटा सा ब्लॉगर, तो चैनल का नाम बता दो। कृतिका एचडी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इसका नाम पहले आप लोग सुन लो। मेरा नाम टोनिका बोलता। सुन लिया ना? मैंने भी ठीक से सुना नहीं। तो जो भी हो भाई, आज भीड़ बहुत ही ज्यादा है। शुक्र है कि सैटरडे संडे नहीं है, क्योंकि सैटरडे संडे और भी ज्यादा भीड़ होता है। वैसे भी अभी जनवरी का मौसम है, अभी आज है 4 तारीख, तो मतलब छुट्टी वाला दिन है, सब एंजॉय करेगा, तो इसलिए ज्यादा भीड़ है अभी। तो चलो हम भी जा रहे हैं अभी बोटिंग करने, पर मेरे को लग नहीं रहा है कि हम लोग बोटिंग कर पाएंगे क्योंकि इतना ज्यादा भीड़ है और इस भीड़ में लाइन लगा के बोटिंग करना। देखते हैं, किस्मत में होगा तो करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। भाई लोग जरा इस व्यू को देखो और भीड़ को देखो, एक साथ दोनों को ही देखो भाई। और ये आ गया अपना होम मिनिस्टर, और ये है मेरा होम मिनिस्टर का फ्रेंड। बचपन का प्यारे मेरा। और इस दोस्त का ये बेटी है, एक बड़ा वाला बेटी और एक छोटू सा वो वाला, छोटा पैकेट बड़ा वाला। और ये है हमारा दीदी, सबका दीदी, ममता दीदी नहीं, और दीदी का मम्मी, यानी कि सबका मम्मी। और ये दीदी का बेटी, बेटा का बहू। हाँ ये सही बोला। तो चलो अभी चलते हैं बोटिंग की तरफ। चलो भाई लोग, हम तो पहुंच गए हैं अभी लेक के एरिया में जहाँ से बोट चलता है। ऐसा मत करो। तो हम लोग अभी जाने वाले हैं स्पीड बोट पे। तो मैंने बोला था ना कि यहाँ पे बहुत भीड़ होगा, तो सही बोला था, भीड़ है बहुत, पर लाइन में कितना लगना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा अभी। तो भाई लोग, तो फाइनली इतना देर तक लाइन पे खड़े होने के बाद फाइनली हमें मौका मिल गया है स्पीड बोट पे चढ़ने का। और ये देखो आ गया है स्पीड बोट हम लोगों का, इसमें हम लोग चढ़ने वाले हैं अभी। अभी हम लोगों को लाइफ जैकेट पहनना पड़ेगा, उसके बाद ही चढ़ पाएंगे हम लोग। मेरे को ग्रीन कलर पसंद है तो मैं ये वाला पहन लेता हूँ। एक कलर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। बाबा देखे, हाँ नेमे चले जाओ, बसे जाओ सीटे। शुद्ध नाम मेरे पीछे ये क्या है भाई? टुई 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 टुई। तुम्हारे वो सब जगह नहीं है। अच्छे सब जगह अच्छे, नोटा सीट नोटा। तो भाई लोग हमें जगह मिला है, देखो सामने से तो कुछ नहीं दिख रहा है अभी मेरे को। चलो भाई लोग, अभी हो गया है अपना सफर खत्म, पैसा हजम। अभी ये बोट पार्किंग पे लग रहा है, पार्किंग कैसे होता है। हाथ धरो। ये लोग आ गए। चलो एगुलो जैकेट गुलो खुले दिए दो ना।
भाई लोग ये स्पीड बोट में तो मजा आ गया भाई, एक बार ट्राई जरूर करना। पर प्राइस के हिसाब से ना टाइमिंग बहुत ही कम है भाई, और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिलता तो अच्छा होता। और स्लो बोट भी है, वो टाइम ज़्यादा लेता है, पर स्पीड बोट में और एक राउंड घुमाना चाहिए था भाई। चलो अभी चलते हैं उस तरफ। तो भाई लोग और भाई लोग बैल, तो अभी हम आ चुके हैं साइकिल पे बाइक छोड़ के, पीछे अपना बेटा और ये हम बड़ा बेटा। चलो भाई लोग थोड़ा सा घूम के आते हैं साइकिल लेके। ओ भाई बहुत साल के बाद साइकिल चला रहा हूँ। अभी बाइक चला के ऐसा हो गया ना कि साइकिल लग रहा है कि ये ज़्यादा टफ है। मेरा बेटा बोल रहा है कि उस ऊंचे जगह से जंप करवाओ साइकिल को। भाई ये तो मेरे से भी ज़्यादा निकलेगा भाई। बाबा एक तो दादा अभी मामू के एक पाक दिया था, तुम्हारे लिए घुरा चलो अभी बड़ा बच्चा आ गया, चलो बड़े बच्चे को घुमा के लेके आते हैं। चलो भाई लोग आज का जो इको पार्क वाला पिकनिक था हम लोगों का तो वो तो हो गया है खत्म, अब बारी है घर की तरफ जाने का। बैग गुलो ना ना गुलो दुकान है सब माल। तो भाई लोग तो अभी बज रहा है रात के 12:30 और देखो पूरा रास्ता जो है वो हो गया है सुनसान। तो अभी क्या है कि अपने बीबी के फ्रेंड के घर में थोड़ा सा गप्पे लड़ा रहे थे और गप्पे मारते मारते कब 12 बज गया हम लोगों को पता ही नहीं चला। तो जो भी हो भाई लोग आज का दिन जो है वो तो बहुत ही मजेदार रहा और मेरे बेटे और बीबी दोनों ही मिलके बहुत मजा किया। तो चलो भाई लोग वक्त है इस वीडियो को खत्म करने का। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख ही लिया है तो एक लाइक करके जाना और मुझे इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो करना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को बंगाली समझ में आता है तो मेरा दूसरा चैनल जो है DS मोटर एडवेंचर बांग्ला उसको भी सब्सक्राइब करके रखना भाई। तो चलो भाई लोग इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड गुड बाय।